हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मैं पहले डिस्कस कर रही थी, हमारा टॉपिक क्या है? इकोनॉमिक ग्रुपिंग। इकोनॉमिक ग्रुपिंग के अंदर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था WTO और गेट के बारे में। वो क्या करता है? रेगुलेशन का काम करता है। सेम क्या होता है? एक और ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हम बोलते हैं क्या करता है द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट ओवरसी द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। हमने क्या देखा था WTO में, कि WTO में क्या हो रहा था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी। वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही थी काम? जो उसकी मेंबर कंट्रीज थी वो उन्हीं को वो सारी फैसिलिटीज या उन्हीं के क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था, रेगुलेशन उन्हीं का कंट्रीज का कर रहा था। तो ये क्या बोल रहा है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट ओवरसीज द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम IMF ऑर्गेनाइज द कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी अफेयर्स। जो भी क्या होते हैं इससे रिलेटेड मुद्रा मॉनेटरी वैल्यू से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड, फंड से रिलेटेड जो भी अफेयर्स होते हैं उनको क्या करता है, वो बोलना चाहिए ऑर्गेनाइज करता है, कंडक्ट करता है और देखता है। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी जिसको बोलते हैं, क्या होता है? एक इंटरनेशनल, बोलना चाहिए इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, मनी मॉनेटरी फंड से रिलेटेड क्या करता है, बोलना चाहिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उन्हीं को क्या करता है, रेगुलेट करता है या कंडक्ट करता है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जिसे कोष को मुद्रा कोष भी कहते हैं, यह एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? अब हम वो देखते हैं। स्थापना हुई थी, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था फर्स्ट और सेकंड प्रथम व द्वितीय महायुद्ध के मध्य की अवधि में विद्यमान वित्तीय परिस्थितियों का परिणाम थी। जुलाई 1994 में ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर 44 राष्ट्रों ने प्रतिनिधियों ने एक सम्मेलन आयोजित किया एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की। जैसे हमने किसमें पढ़ा था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था हमने, जिसको हम क्या बोलते हैं, विश्व व्यापार संगठन में भी हमने क्या पढ़ा था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन मिलके वो क्या करती हैं, जितने भी उसकी मेंबर्स कंट्रीज होती हैं, जब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था किसका, IMF का, तो टोटल कितने थे, 44 राष्ट्रों के, कितने नेशंस के प्रतिनिधियों ने मिलके क्या किया था, एक सम्मेलन का आयोजन किया और उसके बाद किसकी स्थापना की, इसकी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की। क्या बोल रहा है? इंटरनेशनल मॉनिटरी कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट, वही बता रहा जो हमने किया था, ब्रिटेन वुड्स इन USA इन जुलाई, विच लीड्स टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IMF, सेटिंग अप ऑफ वर्ल्ड बैंक। द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वॉज क्रिएटेड इन जुलाई 1994 ओरिजिनली विथ 45 मेंबर्स विथ अ गोल to stabilize exchange rate and assist to reconstruction of the world international payment system. जैसे वर्ड से ही समझ में आ रहा है, वो ट्रेड था तो मतलब हम किसकी बात कर रहे थे, जो बिजनेस होने वाले थे, जो ट्रेडिंग होने वाली थी, मतलब जो ट्रेड होने वाले थे, व्यवसाय होने वाले थे, उनकी बात कर रहे थे, ट्रांजेक्शन। अब इसमें किसकी बात कर रहे हैं, जो पेमेंट सिस्टम है, मनी से रिलेटेड
उसको क्या करने के लिए, एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने के लिए और इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम को देखने के लिए हमने किसका किया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को क्रिएट किया या एस्टेब्लिश हुआ 1994 जुलाई में। मेंबर कौन कौन होते हैं इसके, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए इसके सदस्य कौन कौन से होते हैं, कितने हैं। अभी देखो वो क्या होता है, जब भी इसकी क्या होती है मीटिंग्स होती हैं, जनरली मेरे पास जो रिसेंट डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अभी कितने हैं टोटल, जब स्टार्ट हुआ था तब 45 थे और अब वो प्रेजेंट में उससे इंक्रीज होके कितने हो गए हैं, 188 मेंबर्स हो गए हैं। किसके, IMF के, 188 कंट्रीज उसकी मेंबर बन चुकी हैं। टाइप्स ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप कितने प्रकार की होती है ये देख लेते हैं। इसकी सदस्यता, मुद्रा कोष के सदस्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओरिजिनल मेंबर मतलब कि मौलिक सदस्य, दूसरा होता है ऑर्डिनरी मेंबर जिसको बोलते हैं साधारण सदस्य। पहले बता देती हूँ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों को मध्य मौद्रिक सहयोग बढ़ाने तथा विनिमय दर को स्थिर रखने में सहायता प्रदान करता है और यह विश्व बैंक द्वारा सदस्यों देशों के संतुलित विकास हेतु दीर्घकालीन ऋण भी उपलब्ध कराता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्यों के भुगतान शेष की प्रतिकूलता और अनुकूलता बनाए रखने के लिए अल्पकालीन ऋण भी उपलब्ध कराता है। इसकी मेंबरशिप के बारे में हमने बात की, तो टोटल अभी प्रेजेंट में 188 मेंबर्स इसके सदस्य हो चुके हैं। सदस्य की मेंबरशिप कितने टाइप की होती है, दो प्रकार की होती है इसकी सदस्यता, पहली होती है ओरिजिनल मेंबर, दूसरे होते हैं ऑर्डिनरी मेंबर। ओरिजिनल मतलब मौलिक सदस्य, ऑर्डिनरी मतलब साधारण सदस्य। क्या होता है, वे सब देश जिनके प्रतिनिधियों ने ब्रिटेन वुड में भाग लिया था और जिन देशों ने 31 दिसंबर 1945 से पहले कोष का सदस्य बनना स्वीकार किया था वे कोष के मौलिक सदस्य कहलाते हैं। ऑल दोज कंट्रीज हूज रिप्रेजेंटेटिव टू पार्ट इन ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हु एग्रीड टू बी द मेंबर ऑफ द फंड प्रियर टू 31 दिसंबर 1945। मतलब जब ये स्टार्ट हुआ था IMF, जब इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था, तो हमने देखा था कि जो 44-45 क्या थे नेशंस थे, उनके प्रतिनिधियों ने मिलके इसका क्या किया था, आयोजन किया था। तो वो जो मेन मेंबर्स हैं वो कितने हो जाते हैं, वो कौन हो जाएंगे, ओरिजिनल मेंबर हो जाएंगे उसके। उसके बाद क्या बोल रहा है, और जो उसके बाद ज्वाइन किए, किसके बाद ज्वाइन किए, 1945 के बाद जो लोग ज्वाइन किए वो किस में आ जाएंगे, हमारे ऑर्डिनरी में। ऑल दोज हु बिकम इट्स मेंबर सब्सिक्वेंटली बैंक हैज टू ऑथराइज टू सस्पेंड एनी मेंबर एंड सिमिलरली एवरी मेंबर इज फ्री टू रिजाइन। क्या बोल रहा है, वे कोष जो 31 दिसंबर 1945 के पहले कोष का अध्यक्ष बनना स्वीकार किया था, वे सदस्य बनना स्वीकार किया था, वे कोष के मौलिक सदस्य बन जाते हैं मतलब ओरिजिनल मेंबर। और जो मेंबर्स दिसंबर 1945 के पश्चात बने मतलब आफ्टर दिसंबर 1945 वो सब कौन से मेंबर्स होंगे, ऑर्डिनरी मेंबर होंगे। यदि कोई सदस्य कोष के नियमों का अनुकरण नहीं करता है तो कोष उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। जो देश कोष का सदस्य नहीं रहना चाहता वो लिखित सूचना देकर भी कोष की सदस्यता का परित्याग कर सकता है। बैंक हैज ऑथोरिटी टू सस्पेंड एनी मेंबर एंड सिमिलरली एवरी मेंबर इज फ्री टू रिजाइन। क्या बोल रहा है, वही बात है कि जो उसके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा उसकी मेंबरशिप को क्या कर दिया जाएगा, एंड कर दिया जाएगा, और कोई अपने मन से भी चाहे तो वो फ्री है रिजाइन कर सकता है, उसको रिटर्न में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, ऑब्लिगेशंस ऑफ मेंबरशिप, क्या क्या ऑब्लिगेशन है। एग्री टू द कोड ऑफ कंडक्ट फाउंड द IMF आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट, पे अ कोड सब्सक्रिप्शन, रिफ्रेन फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी, स्ट्राइक फॉर ओपननेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी अफेक्टिंग अदर कंट्रीज। रिसोर्सेस हैं, हमको मेन पढ़ना है फंक्शंस, या सबसे पहले मैं इसमें डिस्कस कर रही हूँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ
IMF, IMF का जब भी हम कोई टॉपिक ऐसा पढ़ेंगे इंस्टीट्यूट, तो हमें पता चल गया उसकी मेंबरशिप कैसे होती है, उसके क्या क्या ऑब्लिगेशन है। अब मैं सबसे पहले क्या देख लेती हूँ, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्यों वर्क कर रही है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IMF, क्या ऑब्जेक्टिव है IMF का, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की उन्नति, इंकरेजमेंट टू इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन। क्या करना, इस कोर्स का प्रथम उद्देश्य सदस्य देशों में मुद्रा नीति संबंधी सहयोग स्थापित करना और मुद्रा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को बातचीत एवं सहयोग से हल करना। क्या करना है, इसका मेन वर्क जो है ये बनाया ही इसलिए गया ताकि सभी एक दूसरे के साथ क्या कर सकें, सही तरीके से काम कर सकें। क्योंकि जब भी हम ट्रेड करते हैं या बिजनेस करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें मनी इन्वॉल्व होती है। मनी इन्वॉल्व होती है तो कहीं ना कहीं क्या होती है, जो मनी इन्वॉल्व होती है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी पॉलिसीज आती हैं, तो उन पॉलिसीज के से रिलेटेड जो भी उसके कौन होंगे मेंबर कंट्रीज होंगी, उनकी क्या करना, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है या उससे उसको समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उन सबको क्या करना, सॉल्व करना, इसको इनकरेज करना है इंटरनेशनल मॉनिटरी कॉरपोरेशन को। दूसरा बोल रहा है इंकरेजमेंट टू इंटरनेशनल ट्रेड, बनाया ही उस लिए गया है कि कोष का दूसरा उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना, ऐसी सुविधाएं प्रदान करना जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिले। व्यापार बढ़ने से सभी देशों के रोजगार स्तर में वृद्धि होगी। इस कार्य के लिए मुद्रा कोष द्विपक्षीय समझौतों के साथ भुगतान व व्यापार संबंधी बहुपक्षीय समझौते कराने की सुविधाएं देता है। जैसे मैं वो उसमें क्या कर रहा था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में वो भी हेल्प कर रहा था, हमने देखा था इंटरनेशनल ट्रेड में भी हमने देखा था कि हेल्प करते हैं वो, सेम इसमें इसका क्या है, इनकरेज करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। क्योंकि क्या बोल रहा है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि वो क्या करता है, ट्रेड से रिलेटेड सबको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, उसको बढ़ाने के बारे में बात करते हैं। क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं या एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तो उससे क्या होता है, सभी नेशंस को या सारी कंट्रीज को क्या होते हैं, बेनिफिट ही होते हैं। फिर विनिमय दर में स्थिरता लाना, स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट। हमने पहले ही देखा कि ये बनाया ही किस लिए गया था, IMF के जो एक्सचेंज रेट है उसमें क्या आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, विनिमय दर में स्थिरता आ जाए। इस कोष का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि सदस्य देशों की विनिमय दर को स्थायी बनाए रखना का प्रयत्न करना, और उद्देश्य में संशोधन, अब इस उद्देश्य में संशोधन कर दिया गया है, वो क्या किया गया है वो हम बाद में देखेंगे। फिर क्या बोल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की विषमता को दूर करना, रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज इन इंटरनेशनल पेमेंट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य राष्ट्रों के अदायगी शेषों में होने वाले असंतुलन को दूर करने का प्रयास करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुद्रा कोष सदस्य राष्ट्रों को विदेशी मुद्राएं बेचता है व उन्हें उधार में भी देता है। क्या बोल रहा है वो कि अगर कुछ डिस्पैरिटीज हैं इंटरनेशनल पेमेंट में, तो उनको भी दूर करने की, उनको हटाने की वो कोशिश करता है। फिर रिमूवल ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल, विनिमय नियंत्रण को हटाना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कोष सभी प्रकार के विनिमय नियंत्रणों को निरुत्साहित करेगा। फिर क्या बोल रहा है, भुगतान असंतुलन को कम करना, मतलब कि जो हमने देखा था, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट देखा था, तो क्या बोल रहा है, रिडक्शन ऑफ इंटरनेशनल इम्बैलेंस, उसको कम करने की क्या करता है, कोशिश करता है। उत्पादक पूंजी विनियोग, प्रोडक्टिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कोष का मतलब इस कमिटी का या इस ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूट का एक उद्देश्य यह भी है कि वह निश्चित करता है कि एक देश दूसरे देश से दीर्घकालीन पूंजी के लाभदायक उपयोग में योगदान दे, मतलब सब एक दूसरे कैसे एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हो, और सबकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हो, बैलेंस हो। सब मतलब जो उसकी मेंबर कंट्रीज है, वो क्या ध्यान देता है कि हेल्पफुल एंड बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, असंतुलित आर्थिक विकास में सहायक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य राष्ट्र विशेष पिछड़े कर राष्ट्रों को संतुलित आर्थिक विकास में सहायता करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी राष्ट्रों में रोजगार का ऊंचा स्तर स्थापित करने में सहयोग देता है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है, एक इंस्टीट्यूट है जो कब बनाया गया था, 1945 में एस्टैब्लिश हुआ था, ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर। उन लोगों ने क्या किया था, प्लेस पे 45 कंट्रीज नेशन के रिप्रेजेंटेटिव ने क्या किया था, एक
सम्मेलन एक कॉन्फ्रेंस को बुला के उसमें क्या किया था, इस कोष की या बोलना चाहिए इस फंड की क्या को किया था, एस्टेब्लिश किया था। इसके मेंबर्स अभी रिसेंट में 188 मेंबर्स हैं और इसके जो मेंबरशिप है वो दो टाइप की है, एक ओरिजिनल मेंबर्स हैं और दूसरे ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं, मौलिक सदस्य साधारण सदस्य। जो मौलिक सदस्य हैं जो 1945 के पहले जिन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, जो उसके बोलना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे प्रेजेंट थे, वो सब उसके ओरिजिनल मेंबर हैं, मतलब कि उसके मौलिक सदस्य। उसके बाद जितनी कंट्रीज ऐड हुई वो सब कौन है, ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं। फिर हमने एक चीज देखी कि वो क्या कर सकते हैं अगर वो इसके कोष के या इस मॉनेटरी फंड इंस्टीट्यूशन के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनको प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको इससे बाहर भी किया जा सकता है और कोई अपनी इच्छा से भी चाहे तो इससे बाहर निकल सकता है। फिर हमने क्या देखे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की उन्नति करना, इनकरेजमेंट टू इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना, इनकरेजमेंट टू इंटरनेशनल ट्रेड, विनिमय में स्थिरता लाना, स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट, अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की विषमता को दूर करना, रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटी इन इंटरनेशनल पेमेंट, फिर विनिमय नियंत्रण को हटाना, रिमूवल ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान असंतुलन को कम करना, रिडक्शन ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट इम्बैलेंस, फिर प्रोडक्टिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उत्पादक पूंजी विनियोग और असंतुलित विकास में आर्थिक विकास में सहायक, हेल्पफुल इन बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्या थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य थे। अब हम क्या देख रहे हैं, थ्री मेजर फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, या जिसको बोल सकते हैं कि इसके क्या है, तीन मेन काम है। क्या काम दिखना है मुझे, मेन फंक्शन क्या दिखना है, सर्विलेंस, गैदरिंग द डेटा एंड गिव एडवाइस इन मेकिंग पॉलिसीज ऑफ कंट्री। सर्विलेंस का काम करता है, टेक्निकल असेसमेंट प्रोवाइड करता है और फाइनेंशियल असेसमेंट प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथनिंग द ह्यूमन स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशनल स्किल्स ऑफ द कंट्री। उस कंट्री को जो उसकी मेंबर कंट्री है उसको क्या करता है, टेक्निकली असिस्टेंट प्रोवाइड करता है और फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, लीडिंग टू कंट्री टू सपोर्ट रिफॉर्म, उसके सुधार में क्या करता है, उसकी मदद करता है। जो उसकी मेंबर 188 मेंबर कंट्रीज है, तो उसके थ्री मेजर वर्क क्या होगा, एक सर्विलेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड मतलब कर रहा है, दूसरा टेक्निकल असिस्टेंट कर रहा है, तीसरा फाइनेंशियल असिस्टेंट कर रहा है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फाइट अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म। टेररिज्म और इसके अगेंस्ट भी क्या करता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में हम कोई चेंज नहीं कर सकते। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इज गवर्न बाय द फोर मेन बॉडीज। इसमें कौन कौन सी बॉडीज होती हैं, एक गवर्निंग बॉडी होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF स्टाफ होते हैं। इन चार मेन बॉडीज से मिलके या इन चार मेन बोलना चाहिए कमिटीज से मिलके क्या बनता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का स्ट्रक्चर बनता है। पहले एक गवर्निंग बॉडी होती है, फिर उसका एग्जीक्यूटिव, मैनेजिंग डायरेक्टर और स्टाफ। गवर्निंग बॉडी का क्या काम करते हैं, ऑल पावर्स ऑफ द IMF आर वेस्टेड इन इट्स बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ कंट्री आर रिप्रेजेंटेटिव, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल बैंक, गवर्नर एंड अल्टरनेट गवर्नर मीट वंस इन अ ईयर इन वॉशिंगटन DC। इसका हेड ऑफिस वहाँ होगा, इसलिए वो लोग साल में एक बार वहाँ मिलते हैं। ये लोग किसमें आते हैं, गवर्निंग बॉडी में आते हैं। ये देखो December 2002 की बता रहा है, US गवर्नर वॉज सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी पॉल ओ नील एंड द अल्टरनेट फेडरल बोर्ड चेयरमैन एलन ग्रीनस्पान। वोटिंग पावर की बात कर रहा है तो सभी मेंबर्स के पास होती है। ईच मेंबर नेशन इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट फंड अकॉर्डिंग टू इट्स इकोनॉमिक साइज एंड स्ट्रेंथ। जिस कंट्री की जैसी सिचुएशन है, जितनी उसकी स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक साइज है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है। देखो यहाँ पे हमको एक पिक्चर दिख रहा है, एनालिसिस किया हुआ है उसके बारे में, यूनाइटेड स्टेट की क्या बोल रहा है, ऑल यूरोपियन की मिलके 30.4
4 है यूरोपियन यूनियन की मिलके कितनी है 24, एशिया की 9.9 और यूनाइटेड स्टेट की क्या दिखा रहा है यूएस की 20.6। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स किसके पास होते हैं, अ यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी मेंबर स्टेट कैन ड्रॉ ऑन। करेंसी कौन कौन सी इंक्लूड होती है, यूरो पौन जापानीज येन और यूएस डॉलर। एडवाइजर ऑफ जीबी, इट इज बीइंग एडवाइज्ड बाय टू कमेटीज, इसके अकॉर्डिंग टू कमेटीज होती हैं, फाइनेंशियल कमेटीज होती है जिसके 24 मेंबर्स होते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको मेनली क्या याद रखना है बस इसमें कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एक गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी होती है, उसके कुछ एग्जीक्यूटिव बोर्ड, उसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर और फिर उसके बाद स्टाफ होता है। ये मीट का आपको दिखा रहा है कैसे मीट होता है, कॉन्फ्रेंस जब होता है, उसने बोला ना कि वंस एन ईयर वॉशिंगटन डीसी में वो लोग मिलते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी के बारे में बता रहा है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी में 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, 5 कहाँ से लिए जाते हैं, 19 कहाँ से लिए जाते हैं, सबके बारे में बता रहा है कि वो 24 कौन कौन होते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है, हेडेड बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होता है, और वो 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। स्टाफ में टोटल कितने इकोनॉमिस्ट हैं, 2600 स्टाफ है उसके पास। फिर ये उसका पूरा स्ट्रक्चर मुझे दिखा रहा है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, जो मैंने ऑब्जेक्टिव बोले उसी को मैं इम्पोर्टेंस में कन्वर्ट कर सकती हूँ कि इम्पोर्टेंट, द इम्पोर्टेंस ऑफ आईएमएफ कैन बी एक्सप्लेन फॉर द फॉलोइंग वर्क्स, टू ब्रिंग अबाउट इंटरनेशनल मॉनिटरी कॉरपोरेशन, जो हमने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बताया था कि क्या है हमारा, इंकरेज करना इंटरनेशनल मॉनिटरी कॉरपोरेशन को, to promote and establish system of multinational trade and payment system, say to help member nation to achieve balanced economic growth, to ensure stability in foreign exchange rate, to reduce disequilibrium in the balance of payment. Balance of payment को क्या करने की कोशिश करना है, हमेशा balance रखने की कोशिश करना है, imbalance ना जाए, to offer aids or loans to member countries in solving their economic problem, इनकी economic problem solve करने के लिए loan की facility देता है। Strength क्या क्या है उसकी, same वैसे ही होगा, weakness देख लेते हैं या limitation क्या क्या है। क्या weakness होनी चाहिए इसमें, क्या कमी होगी या इसके फेलियर्स बोल सकती हूँ मैं कि क्या क्या फेलियर्स हैं इसके। फिक्स्ड एंड रिजिड पॉलिसी फॉर ऑल, क्या है इसकी जो नीतियाँ हैं वो क्या एकदम कैसी है, फिक्स्ड है, फ्लेक्सिबल नहीं है। आईएमएफ इम्प्लाइज एन इनफ्लेक्सिबल सेट ऑफ इकोनॉमिक्स पॉलिसी फॉर ऑल इट्स मेंबर रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, फिर क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन मे वर्क बेटर इन डेवलप्ड कंट्रीज इन द वेस्ट बट आर मोर डिफिकल्ट इन इम्प्लीमेंट इन डेवलपिंग वर्ल्ड। वही हमने पढ़ा था प्राइवेटाइजेशन की प्रॉब्लम, या हम इंटरनेशनल मॉनिटरी ट्रेड सॉरी इंटरनेशनल ट्रेड इन्वायरमेंट देख रहे, तो हमने क्या बोला था, जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो अंडर डेवलप्ड हैं या जो डेवलपिंग है उनके लिए क्या होती है, उन पॉलिसीज की वजह से लोग जो डेवलप्ड कंट्री है वो उनसे कुछ लेना ही नहीं चाहती, वो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री के साथ ही ट्रेड करना चाहते हैं, तो इसकी पॉलिसीज कैसी है, बहुत ही फिक्स्ड और रिजिड है। एक्सरेबल प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, लोन विद हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है, कंट्री स्टेन डेप अनेबल टू प्रोवाइड फॉर इट्स पीपल, प्रॉपर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, डिस्क्रिमिनेटिंग ट्रीटमेंट वो बोल रहा है, जबकि हमारा क्या था कि हम क्या करते हैं, हम मतलब इसकी कोशिश क्या थी कि ये क्या करे सबको इक्वल राइट्स दे, तो क्या बोल रहा, वोटिंग पावर इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ मनी दैट ईच कंट्री पे इनटू द आईएमएफ कोर्ट सिस्टम, जबकि इसका क्या है, क्या बोल रहा था
कि जिस कंट्री की जितनी स्ट्रेंथ होती है वो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, उसमें कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन वोटिंग पावर किसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाता है, जितना अमाउंट उन्होंने क्या किया है वहां पे किया है, डोमिनेटेड बाय द प्रस्पेक्टिव ऑफ G8 इंडस्ट्रियलाइज नेशन। तो क्या बोल रहा है कि कहीं ना कहीं इसका फेलियर का एक रीजन क्या है कि डिस्क्रिमिनेटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो देखो US की सबसे ज्यादा होता है वोटिंग पावर, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है। फिर ये बता रहा है कंट्रीज कोड्स इन IMF। मेनली देखा जाए तो इसके फेलियर क्या था कि ये क्या नहीं कर पाता, लिमिटेड प्रोग्राम ऑफ फंड, दूसरा लैक ऑफ साइंटिफिक बेस्ड इन फिक्सेशन कोड्स, फिर हमने देखा मोर इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिका, अमेरिका का प्रभाव अधिक था, फिर ये क्या बोल रहा है, इनेबिलिटी इन रिमूविंग एक्सचेंज कंट्रोल, ये जो हमने बोला था ना कि एक्सचेंज कंट्रोल को हटाना इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है, बट उसमें क्या है वो इनेबल है, विनिमय नियंत्रण को हटाने में असमर्थता, जो इसने बोला था कि ये क्या, हमने देखा वर्ल्ड बैंक जो है वो क्या करता है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है और ये शॉर्ट टर्म के लिए, तो क्या बोलना चाहिए, ये शॉर्टेज ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, इसके पास शॉर्टेज होती है, प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, लैक ऑफ एक्सचेंज स्टेबिलिटी, ये सब क्या है इसकी फेलियर्स या लिमिटेशन है। अब हम इसको सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको बोलना चाहिए सजेशन फॉर रिफॉर्म इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्या क्या सजेशन हम दे सकते हैं इसको सुधारने के लिए वो देख लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखें, सेफ्टी नेट रखें, पारदर्शिता रखें, पारदर्शिता होने से क्या होता है कि सभी काम करने की जो तरीके होते हैं वो सुधर जाते हैं, कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम होती है वो ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से होती है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखेंगे तो क्या होगा, हम इसको रिफॉर्म कर सकेंगे। तो ये हमने क्या डिस्कस किया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्लियर है क्या सभी को,